नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। कोरिया जिले के संगत भवन गोदरी पारा चिरमिरी में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें CMHO डॉक्टर रामेश्वर शर्मा की उपस्थिति में शिविर का आयोजन किया गया है। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, कांग्रेस पदाधिकारी, विधायक प्रतिनिधि और कई वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में इस शिविर का उद्घाटन किया गया है। मेगा हेल्थ शिविर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से 1194 मरीजों का इलाज निःशुल्क किया गया है, जहां पर अपोलो अस्पताल, बिलासपुर जिला अस्पताल, बैकुंठपुर क्षेत्रीय चिकित्सा, चिरमिरी शासकीय सामुदायिक केंद्र चिरमिरी के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा आए हुए मरीजों की जांच पड़ताल की गई। शिविर में 14 ऐसे मरीज आए जिन्हें उपचार हेतु इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, जिसमें 8 हृदय रोगी, 2 प्लास्टिक सर्जरी के तहत 4 अस्थि रोगी थे। चिरमिरी क्षेत्र में डॉक्टर विनय जायसवाल के अथक प्रयास से इस विराट शिविर में ग्रामीणों से शहरी क्षेत्र के भारी संख्या में लोगों ने इस शिविर का फायदा उठाया। KB पटेल नर्सिंग कॉलेज की छात्र छात्राओं ने भी इस शिविर में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर सामल, चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य केसरवानी, न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजवर्धन सिंह, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ डॉक्टर M.K. सिंह MD मेडिसिन, डॉक्टर बनारसिया अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M. सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलावती पटेल, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश राठिया, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश के साथ साथ कई विशेषज्ञ इस शिविर में अपनी सेवा देने के लिए चिरमिरी आए हुए थे। इस संबंध में मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने मीडिया को बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में इस शिविर की जरूरत काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। आज इस शिविर में क्षेत्र से और गाँव के हजारों की संख्या में लोगों ने इस शिविर का फायदा उठाया है। मीडिया के पूछे जाने पर कि बाहर से आने वाले पेशेंट के लिए गाड़ी की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था है, इस पर उन्होंने कहा कि आने जाने के लिए प्रयास गाड़ी की व्यवस्था की गई है तथा खाने के पैकेट की व्यवस्था की गई है, पानी की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार से जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कहां से सर्टिफिकेट ले सकता है? तो हमारे बीच में एक विकलांग है जिनको विकलांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र विधायक महोदय के हाथों दिया जाएगा। मेडिकल बोर्ड मेघा जो शिविर लगाए, इसमें कहां कहां के डॉक्टर आए और किस चीज का इलाज हो रहा है? देखिए, चूंकि हमारा जो ये क्षेत्र है स्वास्थ्य सुविधाओं से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जैसे कि न्यूरो सर्जरी वाले डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन, इन डॉक्टरों की कभी भी यहाँ के जो मरीज हैं, यहाँ के जो हमारे लोग हैं, उनको इस बात की सुविधा नहीं मिलती। तो कई दिनों से लोगों की मांग थी कि एक बहुत बढ़िया शिविर, ना केवल मल्टी स्पेशलिटी बल्कि सुपर स्पेशलिटी शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें कि यहाँ जो लाभान्वित जो यहाँ के लोग हैं उनको उसका फ़ायदा मिले। तो पिछले कई दिनों से ये परिकल्पना में था, तो फिर हमने जिला जो हमारा चिकित्सा का जो अमला है उसके साथ मिल के, और अपोलो जो सबसे बड़ा यहाँ अस्पताल है बिलासपुर के, जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है उसमें कार्डियोलॉजिस्ट है, उसमें प्लास्टिक सर्जन है, उसमें यूरो सर्जन है, उसमें प्लास्टिक सर्जन है, सभी के सभी हड्डी के डॉक्टर हैं, गायनी के डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, यहाँ अलग से BP और शुगर की जांच हो रही है, यहाँ सारे लैब टेस्ट जो है वो हो रहे हैं, इकोकार्डियोग्राफी का अलग मशीन लगा हुआ है, इस उसका भी स्क्रीनिंग यहाँ करने की व्यवस्था है। ये सारी सुविधाओं के साथ एक बहुत अच्छे शिविर का आयोजन आज जिला स्वास्थ्य समिति जो है और जो बताएंगे इस शिविर में गांव से आने वालों के लिए क्या सुविधा दी गई है? यहाँ से हमने 4 से 5 गाड़ियाँ रखी हुई है कि गांव से भी अगर जो आसपास के जो लोग हैं लाभान्वित होना चाहते हैं इस शिविर का, उनको फायदा मिल सके, और यदि मान लीजिए कि वो हमारे साधनों से नहीं आते हैं और उनको यहाँ से भेजने की व्यवस्था रहेगी, तो वो भी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा यहाँ किया गया। जो गांव से ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था है क्या? उनको नाश्ते का पैकेट उनको दिया गया है और उनके स्वल्पाहार की व्यवस्था। मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे हमारे पीछे साइड में दवाइयाँ भी कुछ लगी हुई है, क्या दवाइयाँ? हाँ, ये दवाइयों का वितरण भी पूरा निःशुल्क हमारे किन किन रोगों के लिए दवाइयाँ हैं इसमें? मैंने आपको बताया ना, इसमें हड्डी रोग के डॉक्टर आए हैं, बच्चों के डॉक्टर आए हैं, स्त्री रोग के डॉक्टर आए हुए हैं, हमारे सुपर स्पेशलिटी फैकल्टी के जो डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ यूरोलॉजिस्ट हैं, इन सारे के सारे जो डॉक्टर हैं कुछ स्क्रीनिंग करेंगे और जिनको दवाई देने सकने लायक जो मरीज होंगे उनको दवाइयों का वितरण होगा, और जो मरीज यहाँ से चिन्हित होंगे जिनको कि आगे इलाज की जरूरत होगी और बड़े इलाज की जरूरत होगी, चूँकि ये स्क्रीनिंग कैंप है, ये मेडिकल कैंप है, यहाँ उनके अगर कोई सर्जरी वाली बात आती है या कोई और कोई इंटरवेंशन की बात होती है तो वो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन ऐसे जितने भी यहाँ चिन्हांकित मरीज होंगे तो जिला हमारे CMHO साहब भी हैं और जिला
स्वास्थ्य समिति के जितने भी लोग हैं उनके साथ मिलकर, हमारा जितना भी स्वास्थ्य अमला है इसके साथ मिलकर उनके पूरे निःशुल्क इलाज की व्यवस्था हम लोग करेंगे। एक प्रश्न और डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, इसमें